Good morning students. Yesterday we have done meaning of tenses and its types. We have done nine types of tenses. Con cons nine tenses. First tense is simple present tense. Second, the present continuous tense. Third present. Perfect tense. Right? Three tenses they jo present form me the. Next three are in past form. Simple past tense. This is fourth type of tense. Fifth is past continuous tense. Sixth is past perfect tense. Right? Next seventh tense is सिंपल फ्यूचर टेंस एट्थ इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नाइन्थ इज फ्यूचर पास राइट इन दिस क्लास वी विल डू ओनली नाइन टें बट एक्चुअली देयर आर ट्वेल्व टेंसेज एक्चुअली टेंसेज कितनी हैं बारह तो तीन टेंसेस कौन से हैंक्स्ट थ्री टाइप्स आर तो नेक्स्ट कौन सी थ्री टाइप्स हैं जो हमने इस क्लास में नहीं करनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नेक्स्ट टाइप इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस एंड द लास्ट टाइप इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सो देर आर ट्वेल्व टाइप्स ऑफ टेंसेस बट इन दिस क्लास वी विल डू ओनली नाइन टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस दैट इज़ कौन सी फिनिश किया हमने द सिंपल प्रजेंटेंस यस द सिंपल प्रजेंटेंस में क्या था तो इसमें हमने किया था कि क्या रोल था वी वन प्लस एस और ई एस तो हमने इन हमने सेंटेंसेज में सिंपल प्रजेंट टेंसेज में क्या यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस राइट वी हैव यूज आई वी हैव यूज फर्स्ट फॉर्म विद आई वी यू दे एंड प्लूरल फॉर्म मीन्स कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं कौन से थे जिनको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा था आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन इन सबके साथ क्या यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कौन से सब्जेक्ट थे जिनके साथ हमने वी वन प्लस एस और ई एस यूज करना है वो सब्जेक्ट sing, so है ही शी इट सिंग एंड सिंगुलर नाउन दीज आर सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट मींस मीन्स डूअर जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं राइट right? और हमने टू पॉइंट्स और किए थे कि जिनमें कोई हैपचुअल एक्शन आता है या कोई रेपिटेशन है तो वैसे टास्क के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनमें जनरल ट्रूथ शो होती है उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं राइट right? थी हमने कल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या है इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन तो ये ऐसा टेंस है जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है कैसे एक्शन को एक्शन मीन्स काम दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कि जो अभी चल रहा होता है जैसे हम मैं बोल रही हूँ तो ये अभी काम चल रहा है लेकिन आपके पास जब वीडियो आएगी तो वो काम मैंने एक दिन पहले किया था राइट लेकिन इस टाइम मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम डूइंग माई वर्क राइट सो इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो यहाँ वी क्या है वी है सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब और आई एन जी हमने वर्ब की फॉर्म में किया था फोर्थ पार्ट में क्या था फर्स्ट

सो इट्स रूल इज तो रूल क्या है एस इज यूज फॉर सब्जेक्ट जो हमने कल लिखे थे आई वी यू ही हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट नाउ नोट डाउन तो ये पॉइंट हमने नोट करने हैं कौन कौन से हैं फर्स्ट आई तो ये सभी क्या है सब्जेक्ट आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आप यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी की प्लेस पर सेकेंड ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हमने यूज़ करना है इज़ प्लस वी वन प्लस आई एन जी ही इज राइट शी इज इट इज़ सिंगुलर नाउन बॉय इज़ गर्ल इज़ थर्ड वी यू दे प्लूरल नाउन में आर यूज़ करेंगे वी वन प्लस आई एन जी राइट right? ये तो हमें पता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं दिस इज द टॉपिक ऑफ वर्ब एग्रीमेंट नाउ एक्सरसाइज नंबर द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ऑफ वर्ब्स सो स्टूडेंट्स वी विल डू दिस एक्सरसाइज इन आर लाइव क्लास आई विल आस्क यू टू फिल दी फिलअप राइट फर्स्ट so क्या है शी डैश द ट्रुथ तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसी आएगी इसकी फाइन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूसटेंस ऑफ दर्ब्स तो वर्ब आपको ब्रैकेट में ही मैंशन होगी फर्स्ट शी डैश द ट्रुथ शी शी डैश द ट्रूथ शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज करने है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी यूज करने हैं शी इज टेलिंग द ट्रूथ राइट तो ऐसी सेकेंड दैसेंजर्स डैश ऑफ द बस पैसेंजर्स क्या हुआ प्लूरल नाउन तो प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज किया था आर आर गैट के साथ गेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो ये आपने चेक करने है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओगे तो कुछ वर्ड कुछ लेटर ऐसे आएंगे जिनको आपको डबल भी करना पड़ेगा जैसे गेट है तो गेट get का गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी राइट सो वी विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज अर लाइव क्लास राइट सो नेक्स्ट पार्ट क्या है

ट्वाइस तो आपने ये वर्ड्स माइंड में रखने हैं तो ये हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ किसके साथ यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कौन से वाले वर्ड एवरी डे जनरली जनरली ऑलवेज ऑफन समाइम्स यूजली एवरी वीक वंस ट्वाइस तो हम कॉन्टिन्यूस के साथ कौन से वर्ड यूज करते हैं नाउ एट प्रेजेंट ऐट द मोमेंट विद द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूसटेंस और जब आपके पास ऐसे वर्ड्स आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने कौन सा टेंस यूज करना है जिससे तो एवरीडे आए तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है अगर हमारे पास आई सेंटेंस में एट प्रेजेंट तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि दिस इज़ फॉर प्रजेंट कॉन्टीन्यूस्टेंस अंडरस्टैंड

सिंपल प्रेजेंट ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑफन रेस्ट आफ्टर लंच ही इज रेस्टिंग एट प्रेजेंट तो एट प्रेजेंट किसके साथ था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ तो इज ही के साथ इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी डन तो थर्ड थर्ड एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन दीज टू टेंसेज राइट तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑफ द वर्ब फर्स्ट आई जनरली डैश मिल्क तो ये वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ड्रिंक आई जनरली ड्र ड्रिंक मिल्क बट टूडे टुडे किसके साथ यूज़ किए हैं जो हमारा प्रेजेंट में है बट टुडे आई एम आई के साथ एम प्लस वर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बट आई एम टेकिंग टी सेकेंड द सन डैश इन दस्ट सन तो जो थे उसके लिए तो हम वर्फ की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस एस सॉरी ये सन राइज इन दस्ट इट इज राइजिंग नाउ नाउ इज यूज फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देन सो अंड प्रॉपरली एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू राइट तो डिफरेंस के लिए आपने ये वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है कि कौन से वर्ड किस सेंटेंस में आते हैं तो वहां हमने कौन सी कौन सा टेंस फॉलो करना है क्लियर ओके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू